इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले ओवैसी पर हमला करने वाले शूटर सचिन पर बड़ी खबर है। ओवैसी की हर स्पीच को फॉलो करता था आरोपी सचिन, कई दिनों से ओवैसी का पीछा कर रहे थे दोनों हमलावर। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, ओवैसी की मेरठ की सभा में भी मौजूद थे ये आरोपी। कुछ दिन पहले ही सचिन ने हथियार खरीदा था, ओवैसी और उनके भाई के भाषणों से, उनकी स्पीचेस से नाराज था सचिन। सचिन शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र। और क्या बातें निकल कर आई हैं पूछताछ में, जो बात समझ में आ रही है सीधा सीधा लगता है जो हेट स्पीचेस हैं उससे नाराजगी थी? जी बिल्कुल रवि, देखिए पूछताछ के दौरान एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सचिन और उसका जो दोस्त है ये दोनों वैचारिक तौर पर बेहद कट्टर हैं और एक तरीके से इनको सनकी भी कहा जा सकता है। और पिछले कई दिनों से लगातार ओबीसी जहां भी जाते थे, जिन भी जनसभाओं में या जनसंपर्क अभियान के लिए निकलते थे, हर जगह वहां पर जाकर इनको फॉलो करते थे। बाकायदा प्लानिंग नहीं थी, काफी दिनों से प्लानिंग की हुई थी, लेकिन इनको मौका कल मिला। और जैसे ही मौका मिला, जो कुछ दिन पहले खरीदा गया 9mm का पिस्टल था उससे सीधा फायरिंग कर दी गई ओबीसी के ऊपर सचिन के द्वारा। और उसके बाद दोनों ने यह भी प्लान किया था कि सीधे जाकर थाने में सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दोनों फरार हुए और फरार होने के बाद इनकी धरपकड़ की गई है। फिलहाल अभी सचिन और जो उसका साथी अभिषेक है दोनों पुलिस की हिरासत में हैं, दोनों की गिरफ्तारी कर दी गई है और दोनों से आगे की पूछताछ भी की जा रही है। जी चलिए आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।